ये आज आर्टमल की अल्ट्रासोनिक वाली सेविंग मशीन लेके आया हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये अल्ट्रासोनिक के जरिए आप बैग बना सकते हैं। अभी हमने ये इसकी वेल्डिंग की है, वेल्डिंग तो नहीं कहते लेकिन इसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग सेविंग मशीन। इस पर आप ये दो ज्वाइंट्स हमने लगाए हैं, बिल्कुल आप जितना मर्जी इसको खींच ले। ये आजकल प्लास्टिक बैग बैन हो रहे हैं तो इसलिए ये कपड़े वाले बैग ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए ये स्पेशल वाली सिलाई मशीन लेके आया हूँ। ये यूज़ वाली है, मेड इन यूके की। तो अभी इसका ऊपर हम जो बैग के ऊपर हैंडल जो होते हैं वो सारा लगाएंगे, ज्वाइंट्स लगाया है पहले। आप ये साइड पे जो इसका ये साइड वाला इजाफी कपड़ा आप इस पर उतार भी सकते हैं, तो ज्वाइंट का बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। दो कपड़ों को आपस में आप ज्वाइंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी इसका हैंडल लगा के कंप्लीट बैग बना के मैं आपको इसके साथ वीडियो दिखाऊंगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो किस तरह ये बन रहा है। इतना ज़्यादा काम नहीं, आप ये घर में रख के आप छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं। ये एक मशीन के ज़रिए आप ये कंप्लीट बैग बना सकते हैं। प्लास्टिक वाले बैग आजकल पूरी दुनिया के अंदर बंद हो रहे हैं, तो इस तरह के बैग का ज़्यादातर रुझान है। तो अभी इसका ये हम पट्टी के थ्रू ये हैंडल बना रहे हैं, तो ऊपर लगाने के लिए कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, जस्ट ओनली आपने सिलाई करना है इसके नीचे। मैं आपको बैक साइड से भी ये दिखा देता हूँ, इसका मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ। आर्टमल की ये सेविंग मशीन है, यूके की, मेड इन यूके की। तो ये इसका हैंडल बांध के बाहर आ रहे हैं, कोई इसमें थ्रेड यूज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अल्ट्रासोनिक नाम ही इसका आप देख रहे हैं कि ये जस्ट ओनली ये जैसे वेल्डिंग हो रही है वैसे ही ये काम कर रही है। ये पट्टी हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दी है जैसे ये सैंपल के तौर पर, तो अभी दूसरा हिस्सा ज्वाइंट करके ये हैंडल ऐसे यूज़ हो जाएगा। यानी आपने इसमें कोई दूसरा काम नहीं करना है, एक आपने ये जस्ट ओनली कपड़ा लेके उसकी कटिंग करनी है अपने हिसाब से किस तरह का आप बैग बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद आपने जस्ट ओनली ज्वाइंट करने हैं। तो ये बैग जैसे ही कम्प्लीट हो जाता है, ये साथ साथ वीडियो देखते रहिएगा, इसमें आपको कम्प्लीट तरीका बताया जाएगा किस तरह आप बैग की अल्ट्रासोनिक के थ्रू आप सिलाई कर सकते हैं। ये मशीन की कंप्लीट मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा वेल्डिंग वाला सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, नीचे भी कंप्यूटर है साइड पे भी। तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होगा जो आप घर में यूज़ करते हैं। एक साइड तो कंप्लीट हो चुकी है, अभी दूसरी साइड की ये अल्ट्रासोनिक के थ्रू ये सिलाई कर रहे हैं। अगर इन उल्टा भी कर देंगे ना तो ऐसी अगर उतार भी दें देंगे, ठीक है, अगर उल्टा कर देंगे तो इन जो सिलाई होया हुआ है, ठीक है।
जी ये कंप्लीट बैग तैयार हो चुका है। अभी आप इसको पलटी भी कर सकते हैं, अगर उसी साइड पे आप रखना चाह रहे हैं तो उस साइड पे भी रख सकते हैं। जो इजाफी पट्टी आप इसके अंदर बचती है वो भी आप ये हाथ से भी खींच के उतार सकते हैं। ये देख लें जी, तो ये देखें जी, ये कंप्लीट बैग उतार हो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका हैंडल वगैरह लगाया, एक साइड पे लगाया, दूसरी साइड पे भी आप लगा सकते हैं। ये हमने जस्ट ओनली तरीका बताया। ये मशीन सेल के लिए हमने लगाई है, पहले मैंने कई सारी वीडियो लगाई हैं, लेकिन ये स्पेशल वाली ये अल्ट्रासोनिक सेविंग मशीन वाली मशीन लेके आया हूँ। इस पर आप ये देखें, प्लास्टिक वाला बैग भी, इस तरह ये भी वेल्डिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके लिए आसान है। तो इस तरह की मशीनें बहुत ही कम आती हैं मार्केट के अंदर। तो आज मैंने ये मशीन आई थी तो आपको वीडियो बना के दिखा भी रहा हूँ। आप इस पर कपड़े का बैग, लेदर का बैग, कोई भी बैग, पीवीसी भी आप आलमोस्ट इस पर ज्वाइंट कर सकते हैं। ज्वाइंट का बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, ये ज्वाइंट लगाएगी। ज्वाइंट के लिए अगर आप कोई सिलाई मशीन लेना चाह रही हैं या बैग बनाने के लिए, ये देखें साइड से हमने पट्टी उतार दिया। ये पैकेट भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं, ये आप इसकी पावर कम ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। तो ये बैग तो रेडी करके हमने रख दिया है, ये देख लें। ये देखें ज्वाइंट भी लग चुके हैं दोनों। इसको हमने पलटी किया, पलटी अगर आप नहीं करना चाह रहे तो फिर भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों काम करेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।